यहाँ देखो हम ना लेक के पास आ गए और लेक ना इतनी प्यारी लग रही है यार। देखो कैसे चमक रही बीच में, दिख रही है आपको जी वाला सीन? पता है आपको इसकी भी एक स्टोरी थी यार। यहाँ ना मैक्सिमम लोग जो भी आते हैं ना यहाँ पानी की बोतल देख जाते, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की डेथ हो गई थी यार ना। यहाँ देखो यार, यहाँ पर रात के टाइम का एक्सीडेंट H367। अब देख रहे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रोड ही नहीं है। गाइस ये वाला व्यू चेक करो वहाँ पे यार, मतलब के साथ साथ यहाँ देखो हम ना किस जगह फंस चुके हैं यार। और यहाँ नीचे देखो, दिख रहा है नीचे, बस नीचे देखो आप। और हम जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीतरी इस टाइम, और हमारे पीछे ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं। 100 रुपये लीटर है डीजल? पेट्रोल पेट्रोल लीटर 150। पेट्रोल 150 है, डीजल 100 रुपये लीटर। वाह, ये देखो ट्रक वाले कैसे ले। हेलो बॉयज, हेलो पाजी, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारी गुड मॉर्निंग हुई, हमारी गुड मॉर्निंग हुई एक बहुत सी खूबसूरत व्यू के सामने। मैं आपको बाहर का व्यू चेक कराता हूँ। यहाँ देखो आप बाहर का व्यू यार। हम पहुँच चुके थे रात को सोमोरेली लेक के पास। जो ये लेक है ना, ये लेक कम से कम 26 किलोमीटर में फैली हुई है लंबी ना, और ये 5 किलोमीटर चौड़ी है ये वाली लेक। द टूरिस्ट भी है यार, देखते। और रात को हमने ना यहाँ पर होम स्टे लिया था, जहाँ पर अभी हमें ना, मैं दिखाऊंगा इसके बाद यहाँ कैसे कैसा क्या क्या सीन है ना होम स्टे का। ये देखो आप एक बार बाहर का व्यू चेक करो यार, क्या अल्टीमेट व्यू है ना। और जिस गांव में अभी हम हैं उस गांव का नाम है कोरजोक, कोरजोक ऐसा करके कुछ नाम है। ये पीछे जहाँ सामने हमारे पास सोमोरेली लेक दिख रही है, उसके अपोजिट साइड, उसके फ्रंट साइड समझो, अपोजिट तो क्या बोले, इतनी बड़ी लेक है, फ्रंट और अपोजिट का पता नहीं कौन सा क्या है यहाँ पर हमें। और यहाँ का सीन पता क्या है इस वाले गाँव का, यहाँ पर लाइट शाम को ना 11 बजे तक होती है, और सुबह 11 बजे चल जाती है रात को, और सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आती है, मतलब आफ्टरनून के टाइम टाइम में आ जाती है। तो ऐसे ऐसा सीन है यहाँ का। तो अभी रात का पता क्या सीन हुआ ना हमारे साथ, पहले हमने ना यहाँ पर रूम्स पूछे, वो ना बड़े कॉस्टली थे यार कहीं कहीं ना रूम्स, क्योंकि हमारे पास एक टेंट फट गया था, पता नहीं कैसे करके फट गया, तो फट गया वो ना। तो यहाँ पर होम स्टे लेना पड़ा हमारे को, और यहाँ पे ना यार कॉस्टली भी, पर यहाँ पर हमारे को जो ये वाला होम स्टे मिला ना ये अच्छा है, मतलब उतना महंगा नहीं है, मतलब अच्छा था। अंकल जी जो थे ना उन्होंने अच्छा कोऑपरेट करा हमारे को ना, तो रूम दिया, और हमारे को ना पर्सनल एक अपनी किचन भी दी कि आप यहाँ लोग यहाँ पर खुद अपना खाना खुना बना लो। और ना ऑक्सीजन की कमी भी है यहाँ पे, सांस से फूल रहा है, और सुबह सुबह उठ के ना सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों यार, क्या हो गया रात को, टेटिस हुए उन्हें। एक तो हाई एल्टीट्यूड में ना, तो पता नहीं क्या सीन है, जोर तो नहीं बस सर दर्द हो रहा है, और बड़े गंदे वाला हो रहा है दर्द ना। तो अभी मैं आपको बाहर अभी दिखाता हूँ मैं आपको ना। टाइसन, टाइसन भाई क्या करे आप सुबह सुबह सिंगा मिंगा लिंगा। तो गाइज अब उठते, फ्रेश फ्रूश होते एक बार ना, फ्रेश तो क्या, अभी लाइट तो है नहीं, ठंडे पानी से हाथ में धोने पड़े, क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ लाइट है नहीं। अभी तो टाइम 8:47 हो रही है अभी ना, 8:47। तो ऐसे ऐसे सीन है, तो क्या फ्रेश फ्रूश होते फिर मिलते हैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट टेबल पर। ओके जी, हमारा रूम था ऐसा कुछ, हमारा रूम था, और हमने ना जो ये है ना ये रजाई गद्दे को, तो हमने ना खुद अपने ढाले थे यहाँ पर ना, इनके बाद ना था नहीं यहाँ पर ना। और आ टाइम हमने ना अपने फ़ोन लगाए थे चार्जिंग में 11 बजे तक, और लाइट है नहीं है अब तो, है नहीं, बस ये ऐसे कैसे, ये जाके देखो क्या बुरा हाल हो गया यार, पड़ोगे तो हालत ख़राब है, मोटा ही सीन है। पर ऐसे कि रूम अच्छे ऐसे नहीं है यार, और यहाँ साइड में होम स्टे भी बड़े बड़े ना, वो भी बहुत प्यारे प्यारे, ऐसे नहीं है, सब कुछ प्यारा है यार इधर। तो वैसे अभी आते मैं कार में सामान रखने ना, क्यों जो चार्जर चूजर थे जैकेट को सारा रख लिया मैंने इसमें, और मैंने ना हाथ में तो नहीं धोई क्योंकि ना पानी बहुत ठंडा है, और यहाँ ना ठंड है बाहर, ठंडे अंदर रूम में बेशक गर्मी है ना, पर बाहर ठंड है यार, बेशक धूप लग रही है पर ठंड है इधर बहुत ज़्यादा ना। तो मुँह में बस पानी मारा है हल्का हल्का सा ना, ठीक है। वैसे अभी अब क्या, आज हमारी ट्रिप का 10वां दिन है हमारा ना, मतलब 10 डेज हो गया हमारी ट्रिप को। तो आज इसके बाद हमारे को निकलना है मनाली के लिए, बस सोमोरेली लेके पास जाएगी, थोड़ी बहुत फोटो फोटोज खींचेगी, वीडियो वीडियोज़ बनाएगी, उसके बाद निकले डायरेक्ट मनाली के लिए। मनाली यहाँ से 350 किलोमीटर, तो हमारे को ना आज के दिन ना 350 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। अब देखते होता है कि नहीं होता ना,
बहुत बुरा हाल हो गया। अच्छा तुम्हें ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट अंदर ही बन रहा है, जो मैंने बोला था ना आपको कि हमने पर्सनल एक किचन लिया अपने लिए जहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहे भैया वगैरह, तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का भी क्या सीन है ना। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ शॉप्स है ना छोटी सी, है तो ठीक है छोटी तो क्यों बोले यार, हिमालयन तो गाइस यहाँ बन रहा है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, परांठे आलू के प्लेन परांठे, आपने खा लिया? गुड मॉर्निंग गाइस। अब अर्पित भाई वो है क्या नाम, मुन्नी भाई है रोड मेरा, क्या कौन मुन्नी भाई नहीं है, है? मुन्नी भाई नहीं, मुन्नी भाई सेक्सी व्यू है ना यार। गाइस जो मजा यहाँ आ गया ना वो मजा ना पेंगोंग लेक में भी नहीं आया यार, क्योंकि वहाँ पर ना उतना अच्छा व्यू नहीं था, वैसा था ना कि सीधा दिख रहा था पहाड़, और यहाँ पर देखो ना यार मेरे पीछे पहाड़ भी कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार, और यहाँ देखो आगे का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारी यार। ये वाली लेक देखो ना पहाड़ों के बीच में यार, जो पेंगोंग लेक थी ना वो ऐसी नहीं थी, मतलब सीधा सीधा फ्लैट फ्लैट था तो सब कुछ यार। यहाँ देखो ये तो ऐसे दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है हल्का हल्का इधर इधर से जैसे कुछ चमक रहा है, इसे डायमंड है इधर। हाँ जी बत्तख, चले नीचे चलो नीचे आते एक बार ना, यहाँ से आइए। यहाँ देखो हम ना लेक के पास आ गए, और लेक ना इतनी प्यारी लग रही है ना यार, देखो कैसे चमक रही बीच में, दिख रही है आपको जैसे डायमंड ही डायमंड यार इसमें। वाह यार क्या जगह है यार, ये मान गए पैसा वसूल है गाइस, थैंक यू टू हेलो हिमालयस। क्या प्यारा नज़ारा है यार। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापसी सोमो रिली लेक से, क्योंकि ना हमारे को ना इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इस पर हमारे को ना मनाली के निकलना है, कम से कम हमने ना 300 सांस फूल रहा है एक तो यार, कम से कम हमको ना 300 350 किलोमीटर क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ से ना मनाली इतने दूर है। तो अभी ऐसा ऐसी ना बाबा बोले बिन जा रहा है सीन ऐसा है ना, अभी जाएगी अभी हमने अपने बैग बुक्स पैक करने हैं, कपड़े कुपड़े पैक करने हैं, जो सोने के हमारे पास ना गाड़ी गुड़ी लोड करनी है, तो वहाँ को टाइम लग ही जाना है, क्योंकि अभी ना 9:30 तो हो गए, इतने बोले जा रहा है तो ऐसे सीन है अभी का। तो आपको डायरेक्ट मिलता है कार के पास, कार देखो कार यहाँ दिख रही है ऊपर गाँव पर लगाई टॉप में, दिख रही है ना यहाँ पे, अब जर्नी चढ़ाई बगाओ थोड़ा तहसीन भाई। गाइस यहाँ दिख रही है आगे यार, लद्दाख पुलिस वालों को ना क्रेटा दी गई है, वो भी टॉप मॉडल सनरूफ वाली, मून रूफ वाली सॉरी, और हमारे पास पुलिस वालों के पास तो सबको पता है। गाइस देखो हम ना गाड़ी से बाहर तो उतर गए और हम जा रहे हैं ना लेक के पास, यहाँ पर ना बत्तख दिख रही है हमारे को बहुत सारे, और ये भाग रहे हैं हमारे को देख के, हमने थोड़ा तुम्हारे को खाना है, मैंने छोड़ दिया ऐसे भी नॉन वेज, समझते नहीं है बात को यार, जा ही रहे दूर ही जा रहे, दौड़ मारूं मैं एक बार, उठ गया यार ये पर थोड़े तो हो गए कैच हल्के से, फिर कीड़े कीड़े, अरे क्या कीड़े ऐसे। गाइस नाउ वी रीच अनदर न्यू लेक, फिफ्थ लेक, पर हमारे को ना इस लेक का नाम पता नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पर ना कोई बोर्ड लगा है, कुछ भी नहीं लगा है इधर ना, और इतना चल पड़े हम ना, हमारे पास ना कोई भी नहीं दिखा, ना आदमी ना आदमी की कोई प्रजाति इधर से, बस तो एक ट्रक देखे हमारे पास। गाइस अभी हम पहुंचे डिबरिंग, और यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ शॉप पे अंदर ही ना यहाँ से हमने कुछ खाने पीने के लिए लिया है, और हमने ना अपनी गाड़ी थोड़ा यहाँ से तेल भी फिलअप करती हूँ, हमारे पास तेल की बहुत शॉर्टेज हो रही है यार, तेल बहुत महंगा है, डीजल क्या लग रहा है यहाँ पर डीजल, ढंग से बोलो 1000 रुपये लीटर का, 1000 का पान 10 लीटर, 1000 का 10 लीटर 100 रुपये लीटर, मतलब 100 रुपये लीटर है डीजल, पेट्रोल पेट्रोल लीटर 150, पेट्रोल 150 है डीजल 100 रुपये लीटर, वाह पेट्रोल 150,
150 और डीजल है 100 रुपये, पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पर अपनी कार लगी लाइन में, कार कहाँ रही यार। गाइस अभी जा रहे हम सरजूदी साइड ना, तो ये बाहर का व्यू चेक करो आप ना, फुल एडवेंचर वाला सीन है यार बाहर का। इस टाइम डंकारी डंकार दिख रहे चारों तरफ यार, और बीच बीच में हम चले हुए दिख रहे, क्रेजी सीन है ना। नाउ वी रीच लाचुंगला पास, इसकी 16,616 फीट इतनी हाइट में आ चुके अभी हम। और सर चू यहाँ से ना अभी बड़ा भारी ऊपर है, कम से कम होगा 17-18। और बाहर का व्यू चेक गाइस, यहाँ देखो अभी हम ना किस जगह फंस चुके यार। और यहाँ नीचे देखो दिख रहा है, नीचे बस नीचे देखो आप, और हम जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। और हमारे पीछे ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं, और बिल्कुल चिपक चिपक गए यार। आ जाओ जल्दी आ जा, हाँ शाब अब निकला। ओ यार बड़ा डेंजर डेंजर रूट है गाइस, नीचे देखो तो बाहर देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि पता नहीं क्या ये मुझसे आके। ये देखो ट्रक वाले कैसे ले, हेलो बॉयज, हेलो पाजी, ये ओ गुड यार पंजाबी भाई, सलाम मान गए आपको, सलाम है तनु भाई, फुल रखो फुल गेड़ा रखो गेड़ा। तो गाइज अभी हम पहुंचे घाटा लूप्स, इस जगह का नाम है घाटा लूप्स। और यहाँ पर पता है क्या सीन है, यहाँ पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर की ना डेथ हुई थी बहुत पहले, वो भी पानी की वजह से। उसको ना यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था, और कहा भी जाता है ना कि यहाँ पर वो ना आते जाते लोगों को भी दिखा भी है, मतलब पहले के टाइम में दिखता, अब तो नहीं दिखता ना, अब तो बहुत टाइम से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई थी जो हमारे को पता लगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ना सारे पानी डोनेट करते हैं उस बंदे के लिए, जो बंदा जिस बंदे की डेथ हुई ना उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग पानी डोनेट। और यहाँ पे ना एक मान्यता ये भी है कि अगर आप यहाँ पर पानी रख के जाओ और उस बोतल में अपना नाम लिख के जाओ ना, तो अगले दिन के लिए ना उस बोतल में पानी पहले से कम मिलेगा, जो हमने भी ट्राई करा। पर ऐसा था ना, हमने नाम नूम कहाँ लिखा, क्योंकि हम तो वापसी घर को आ रहे थे ना, तो इस वजह से हमने नाम नूम नहीं लिखा, बस कहा जाता है और हमने वैसा करा बस। तो गाइस अभी अभी हमने ना सरचू क्रॉस करा है, अभी जा रहे हम 12 लाचा के लिए। ये दिख रहा ऊपर टॉप, ये क्रॉस करना है हमने। अभी शाम तो हो चुके, 7 बज चुके, सीन हो जाना यार। अभी देखो ना हम ना अभी 15,000 फीट की हाइट में अभी हम चले इस टाइम, तो अभी हमने जाना है 18,000 फीट में तो हो गए होगा। गाइज ये चेक करो आप बाहर का व्यू ना, बस अब खादुमला आने वाला है कुछ टाइम। और देखो यहाँ अभी ना बर्फ़ है, आजकल के महीने में भी इधर बर्फ़, तो सोचो ना टेम्परेचर कैसा होगा इधर यार, मोटा ही सीन है। देखो ऊपर देखो टफ है भाई की, फिर भी यार यहाँ देखो यार एक और लेक मिल गई हमारे को, और हमारे को इस वाली लेक अभी नाम पता नहीं है। बर्फ बर्फ बिल्कुल बर्फ के नजदीक इस टाइम में यार, शीशा को ले यार भाई बना इधर, नहीं शीशा गुल की नहीं बनाना है, उसकी आवाज आती है विंड की आवाज। गाइस ये वाला व्यू चेक करो आप यार, बर्फ के साथ साथ ही चले हुए हम यार। अगर हम ना दिन के टाइम आते हैं थोड़ा जल्दी आते हैं इस साइड, थोड़ा इस वाले पास की साइड, थोड़ा अल्टीमेट व्यू जाना था यार, अल्टीमेट अभी कुछ कम नहीं है। थोड़ी कार्स आ गई, कार नहीं ट्रक्स हुए थे चले, कार तो दिख ही नहीं रही इधर। यहाँ देखो यार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ रात के टाइम का एक्सीडेंट, H-367 नहीं नहीं ये भाई साहब ऊपर चढ़ते हुए ना फिर है बैक हुआ, बैक हुआ मुझे मारी गोली इसका, रात को ऐसे सूस में चले गए यार, जो जरा जैसे पत्थर होते हैं ना उठ गया तो बस। गाइस नाइट का व्यू चेक करो यार, रेस्ट हाउस कैंपिंग एरियाज कितने प्यारे लगते हैं यार इधर। अब ना बस हम मनाली पहुंचने वाले थे, यहाँ हमने मैगी मूवी खाई थी। नहीं नहीं ये नहीं है सर, वो ये नहीं है सर, अब चढ़ाई आएगी इसके बाद। वो पत्थर तो मेरे पास दिखे ना जिन पर मैं आगे जा रहा था उस टाइम, वैसे वो कहाँ दिख रहे हैं
अटल टनल लगी अब लीकेज हो रहा है पूरे तरीके से, पानी पानी आ गया अंदर यार तेरे बिना। तो गाइस अभी हो रहा है हमारा डिनर, बड़ी मुश्किल से पहुंचे अभी हमें यार, इतने लेट हो गया, एक बज गए, एक बजे हम पहुंचे अभी डिनर डिनर कर रहे, फिर मिलते हैं इस बात आपको कहाँ रूम में।